नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज आधुनिक भारत के स्पीड टेस्ट नंबर 13 को लेकर के पुनः उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है मराठा शक्ति का उदय, वीर शिवाजी और पेशवाओं की भूमिका। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 1 क्या लिया है? क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। सिवनेर पहाड़ी के समीप हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में किससे हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, 13 वर्ष की अवस्था में शिवाजी का विवाह हुआ था और वो हुआ था साई बाई निम्बालकर नाम एक कन्या से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपके लिए लिया है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, वह ऑलरेडी दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में रहती थी, तो कोंडदेव को ही इनका गुरु माना जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु पूछता है तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। कौन थे? समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, सभी लोगों को मालूम है। कब बनाई थी? 1656 ईस्वी में बनाई थी। शिवाजी ने बनारस के किस पंडित से अपना राज्याभिषेक करवाया था? क्वेश्चन 5 है, शिवाजी ने बनारस के किस पंडित से अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि शिवाजी और निम्न में से किसके बीच हुई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने पुरंदर संधि के बारे में बताया था कि 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच संधि हुई थी और यह संधि औरंगजेब के कहने पर हुई थी। और जब यह संधि हो गई तो संधि के मुताबिक शिवाजी को औरंगजेब के समक्ष उपस्थित किया गया और वहाँ उचित सम्मान न मिलने के कारण शिवाजी ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद उन्हें जयपुर भवन में कैद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवाजी ने छापा मार युद्ध नीति या गुरिल्ला युद्ध नीति किससे सीखी थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन आपका है मलिक अंबर। दोस्तों इससे दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ देगा कि छापा मार रणनीति या गुरिल्ला पद्धति के जनक कौन हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको जानकारी न रहे तो आप शिवाजी पे मार सकते हैं, क्योंकि शिवाजी का नाम फेमस है। लेकिन अगर नाम मलिक अंबर का दिया हुआ है तो नाम मलिक अंबर रहेगा। ठीक है, तो 8 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, मलिक अंबर। 9 तरफ बढ़ते हैं, चौथ एवं सरदेशमुखी कर किसने लगाया था? तो चौथ एवं सरदेशमुखी कर शिवाजी ने लगाया था। कौन लगाया था? शिवाजी ने। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो चौथ कर है यह शिवाजी अपने पड़ोसियों से लेते थे, अर्थात अपने पड़ोसी राज्यों से लेते थे। और जो आपका सरदेशमुखी था, इस सरदेशमुखी को शिवाजी, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के ये अपने आप को सरदेशमुख समझते थे, इसलिए यह जो है सरदेशमुख कर भी लगाए थे। अब जो है 9 के बाद 10 पर हम आते हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान या अष्ट दिग्गज या अष्ट छाप या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान के नाम से जानते थे, किस नाम जानते हैं, अष्ट प्रधान के नाम से जानते थे। इस अष्ट प्रधान में कौन था, शिवाजी के आठ मंत्रियों का एक समूह था। दोस्तों अष्ट दिग्गज क्या था, अष्ट दिग्गज जो है यह कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे, यह तेलुगु भाषा के आठ कवि थे। अष्ट छाप क्या था, अष्ट छाप जो था यह कवि विट्ठल नाथ की कवि मंडली थी। तो हमने तीनों के बारे में आपको हिंट किया, अष्ट छाप कौन थे, शिवाजी का मंत्रिमंडल, इसमें आठ मंत्रियों का समूह था जिसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था। अष्ट दिग्गज कौन थे, अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा के आठ साहित्यकार थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में निवास करते थे, और अष्ट छाप कवि विट्ठल नाथ की कवि मंडली थी। अगला है, किसी जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है किसे जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चूरामन, बदन सिंह, सूरजमल और शिवाजी। तो दोस्तों इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, सूरजमल को। मराठा सरकार में सरे जाम क्या था, आपको बताना है कि मराठा सरकार में सरे जाम क्या था, तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, अपनी मौत की परवाह न करने वाला सैनिक सरे जाम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीजापुर के शासक ने किस योग्य सेनापति को शिवाजी की हत्या के लिए भेजा था, तो कौन सेनापति था वो, अफजल खान, और अफजल खान को शिवाजी ने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख पद कौन सा था, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख पद हमने बताया अभी पेशवा या प्रधानमंत्री का था। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी की सेना में बर्गेर क्या थे, आपको बताना है शिवाजी की सेना में बर्गेर क्या थे, तो घुड़सवार सैनिक थे। क्या थे, बर्गेर घुड़सवार सैनिक थे, ए वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिवाजी की सेना में सिलेहदार क्या थे, तो शिवाजी की सेना में सिलेहदार क्या थे भाई, तो शिवाजी की सेना में सिलेहदार स्वतंत्र सैनिक थे। स्वतंत्र सैनिक सी वाला ऑप्शन सही है, स्वतंत्र सैनिक का मतलब यह अपना हथियार खुद रखते थे, अगर लड़ना है कहीं तो लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका अपना अलग हथियार होता था, अर्थात यह अपना हथियार स्वयं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवाजी ने पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया कर था, या शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों पर कौन सा कर लगाया गया था भाई, तो मैंने अभी आपको बताया था कि पड़ोसी राज्यों पर लगा था आपका चौथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, शिवाजी के समय में कुल उपज का कितना प्रतिशत भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, तो दोस्तों जानकारी के लिए बताएं कि यह 30% वसूला जाता था, लेकिन बाद में इसकी मात्रा 40% भी हो गई, अर्थात शिवाजी के समय में भू राजस्व का जो दर था वह 30% था, लेकिन बाद में इसकी मात्रा के 40% कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर ए नौबत क्या था, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर ए नौबत क्या था, ये बताना है आपको, तो क्या था, सेनापति क्या था, सर ए नौबत, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 19 क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर पर, दोस्तों 20 वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या किस मुगल सेनापति ने की थी, बहुत सोचने वाली बात है, शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या किस मुगल सेनापति ने की थी, तो मुगल सेनापति का नाम आएगा दोस्तों, तो आप लगाएंगे ए वाला ऑप्शन, मुकर्रफ खां को, ठीक है, इसने इनकी हत्या की थी, और किसके कहने पर, औरंगजेब के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, किस मराठा सरदार ने औरंगजेब अकबर की कब्र को लूट लिया था, किस मराठा सरदार ने अकबर की कब्र को लूट लिया था, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी एंड किया था, आपका उत्तर क्या होगा, राजा राम, ये वाला ऑप्शन, राजा राम कौन था, राजा राम शिवाजी का पुत्र था, शिवाजी का पुत्र संभाजी, दूसरा पुत्र राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किस पेशवा ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, इस पर ध्यान दीजिएगा, किस पेशवा ने कहा आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। क्या कहा? आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी और मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। तो दोस्तों आपको बताएं कि इस कोटेशन में जब यह कोटेशन कहा गया तो इसके आगे साहू जी महाराज ने क्या कहा, कहा कि निश्चित रूप से आप यह पताका हिमालय तक फहरा देंगे क्योंकि आप एक योग्य बाप के एक योग्य पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें पूरा कोटेशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन कोटेशन इतना ही पूछता है कि आओ हम इस वृक्ष, एक किसी पेशवा ने कहा है, अभी हम उत्तर आपको बताएंगे कि किस पेशवा ने कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी और मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बाजीराव प्रथम जो है यह पेशवा था उस समय, और उस समय मुगल बादशाह था कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, तो इसी के ऊपर इसने कहा था और इसका उत्तर क्या होगा, बाजीराव प्रथम, ये संभाजी से कहा था और ऐसे कंडीशन में मोहम्मद शाह रंगीला वहाँ का बादशाह था। और आपको ये भी मालूम है कि बाजीराव 500 घुड़सवार लेकर के दिल्ली पर चढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, किसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो बालाजी बाजीराव को नाना जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नाना साहब के नाम से जाना जाता है, तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि क्या है, सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि कब हुई थी ये आपको बताना है। तो सालबाई की संधि 1781 में हुई थी कि 82 में हुई थी कि 83 में हुई थी, ये आपको इसका उत्तर बताना है। तो 1782 में हुई थी, कब हुई थी, 1782 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसी चीज़ आपको और बताएं, बहुत ध्यान सुनिएगा, गुजरात का जो कर्नल था जिसका नाम था गाडर्ड, इसके और मराठों के बीच युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस जो थे इन्होंने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए कहा, और इसके बाद हैदर अली ने कर्नाटक पर धावा बोल दिया, और जब धावा बोल दिया तो अंग्रेजों की निरंतर पराजय होने लगी और ब्रिटिश सेना का मनोबल गिरने लगा। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, एंडरसन को भेजा कि भाई मराठों से बातचीत करके और संधि कर लो, जिसके तहत ये सालबाई की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दोस्तों, बेसेन की संधि कब हुई थी, आपको बताना, क्योंकि यहाँ से सारी संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों बेसेन की संधि कब हुई थी, 1802 में हुई थी, मैं यहाँ सिर्फ आपको हिंट कर दे रहा हूँ, 1802 में हुई थी बेसेन की संधि, सब इंपॉर्टेंट है और सब यही मराठा और आंग्ल के बीच है। 26 नंबर पर है, देवगांव की संधि कब हुई थी, तो देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, कब हुई थी, देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंदसौर की संधि कब हुई थी, तो मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी, कब हुई थी, 1818 में मंदसौर की संधि हुई थी, किसके बीच हुई थी, आंग्ल और मराठा के बीच। सारी संधियां जो इसमें मैंने लिया है सब आंग्ल और मराठा के बीच हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमने लिया है, बड़गांव की संधि कब हुई थी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बड़गांव की संधि कब हुई थी, 1779 ईस्वी में हुई थी, बड़गांव की संधि कब हुई थी, 1779 ईस्वी में हुई थी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, सूरत की संधि कब हुई थी, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1775 ईस्वी में, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नागपुर की संधि कब हुई थी, तो नागपुर संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1816 ईस्वी में, किसके बीच हुई थी, आंग्ल और मराठों के बीच। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूना की संधि कब हुई थी, तो पूना की संधि कब हुई थी, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1817 ईस्वी में, किसके बीच, आंग्ल और मराठों के बीच। 32 नंबर पर है, ग्वालियर की संधि कब हुई थी, ग्वालियर संधि भी 1817 में ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध
कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 के मध्य, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। द्वितीय क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1803 से 1805 के मध्य, दूसरा ऑप्शन सही है, 1803 से 1805 के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 के मध्य हुआ था। इस तरह से दोस्तों हमने इसमें कुल 35 क्वेश्चनों को पूरा किया। हर वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को लेते थे, लेकिन इसमें टॉपिक छोटे ना, इसलिए हमने 35 क्वेश्चनों को ले लिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने कम समय में इतने टारगेट को पूरा किया, और हमारे साथ आप इसको शेयर करिए और देखिए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, इसका कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।